ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत के साथ ही देश दुनिया में शोक की लहर छा गई। दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सहित कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे। शाम 5 बजे जुहू स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि दिलीप कुमार जी सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए नुकसान है। प्रधानमंत्री ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से भी फोन पर बात करके शोक संवेदना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अभिनेता शाहरुख खान दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। दिलीप कुमार की तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं थी। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा। उन्हें पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। 1200 रुपए महीने की सैलरी में काम करने वाले दिलीप कुमार ने 5 दशक के करियर में करीब 60 फिल्मों में काम किया था। उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्में कम हो लेकिन बेहतर हो। पिछले कुछ सालों से दिलीप कुमार की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनके फेफड़े भी खराब हो चुके थे, जिसके कारण वे अक्सर अस्पताल में भर्ती रहते थे, लेकिन हर बार वे अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आते। लेकिन इस बार उन्होंने जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिलीप साहब का निधन न केवल सिनेमा जगत बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दादा साहब फाल्के और पद्म अवार्ड के साथ ही 10 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके ट्रेजेडी किंग का भले ही इंतकाल हो गया हो, लेकिन अपनी बेहतर फिल्मों के जरिए वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।